नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड व्हिच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि आपको एल बी एच दिया गया है। तो देखिए, आपको क्यूबॉइड की लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो उसको हम लिख लेते हैं, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल कितना है 15, बी कितना है 12 और एच कितना है 10। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखिए, 15 को 12 के साथ करेंगे तो 180 आएगा और 180 को 10 के साथ करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दिया है जिसकी लेंथ 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। आपको इस वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं, ये जो वॉटर टैंक है एक क्यूबॉइड की शेप में है, तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, वॉटर टैंक की आपको लेंथ कितनी दी गई है, एल इज इक्वल टू 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मैं देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूं, या तो आप मीटर में रख लो या फिर सेंटीमीटर में रख लो, एक यूनिट में आपको रखना है। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का डिवाइड कर दो आप, तो एल इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 20 अपॉन 100। 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो एल इक्वल क्या आ जाएगा, 2.2 मीटर। सिमिलरली ऐसी ब्रेथ को लिख देंगे डायरेक्ट, बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.85 मीटर और हाइट आ जाएगी आपकी 1.1 मीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर टैंक क्या होगा, इसका वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। एल आपके पास है 2.2, बी कितना है 1.85, हाइट कितनी है 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2.2 को 1.85 के साथ करेंगे, 1.85 और 2.2 मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 18 टू जा 36, 137, फिर 0, 3 सॉरी 7 और 3 ऐड कर दो, 0704। अब देखो डेसिमल कितने प्लेस की बार लगाएंगे, दो ऊपर है एक नीचे 3, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, फिर 1.1 से कर दो 0704 0704 0774 और 4। अब डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा, 3 तो ऊपर है, एक आपका ये है, तो राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देंगे यहां, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4.4770 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 384 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्यूबॉइड दिया गया है जिसका वॉल्यूम 384 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। हमें इस क्यूबॉइड की हाइट को बताना है। ठीक है, तो हाइट को हम एच सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है,
अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए आपको लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। तो हम बोल सकते हैं एल बी एच इज इक्वल टू 384। एल कितना है 12 सेंटीमीटर, इंटू बी कितना 8 और एच हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके डाउन में आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 384 अपॉन 12 इंटू आपका 8। अब देखिए 12 से काट दो इसको, 12 थ्री जा 36 और 12 टू जा 24, 8 से कट जाएगा 4 टाइम, तो एच की इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास इस क्यूबॉइड की क्या गई, हाइट आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।